महाराज करे मन भिक्षा दे दे माई। हे माई, दरवाजे पर एक साधु भीख मांग रहा है, दो मुट्ठी भिक्षा साधु की झोली में बेटा कहकर के मिल जाए तो इसे छोटे से साधु का योग सफल हो जाएगा। कौन माई, किसकी माई? हे माई, तुम माई, मेरी माई? मैं तुम्हारी माई नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज आपने कोई नशा कर रखा है। कोई नशा नहीं, जो तुम्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माई नहीं बल्कि तुम्हारी रानी पाटम दे खड़ी हुई है। कोई रानी नहीं, कोई महारानी नहीं। गुरु का आदेश कि महलों में जाइए, जो भी मिले माँ कहकर के भिक्षा लाइए। ऐसे कैसे माँ कह दोगे? अगर माँ ही बनानी थी तो शादी करके महलों में क्यों लाए? वो तो पिछली बातें हैं, लेकिन अब की ताजा ताजा बातें करो। ताजा बातें ऐसे कैसे करूँ महाराज? आज की ताजा खबर। आप पतिदेव हो, दो तीन दिन के बाद तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। कोई ना। और फिर आप मुझे ऊपर से माई कह रहे हो? करवा चौथ का व्रत मदन सरपंच के लिए रख लिया था। मुझे तो बेटा कहकर दो मुट्ठी भिक्षा दे दे। चल, मैं मदन सरपंच के लिए रख लूंगी करवा चौथ का व्रत। हाँ। 15 रानी और है, वे भी रखेगी। एक एक सबने बांट दे। अच्छा, एक कौशल टेंट वाले दे दे, प्रमोद दे दे, और दे दे, दो साथी लगा देंगे देंगे। कोई प्रसाद ना है मंदिर का कि मुट्ठी भर भर के सब बांट दे। और जो बच जाए उन्हें बहू है बहू, और जो बच जाए उन्हें पलवल भेज दे। ये क्या कह रहे हो आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे बेटा क्या करके एक मुट्ठी भिक्षा चाहिए। मैं आपको बेटा नहीं कह सकती। मेरा जो आप मेरी सगी ननंद के भाई हो, मेरे पिया जी हो। हे रे तले खड़ा क्यों रुके मारे, तू चढ़ जा जीने पर के एक मुट्ठी तक, एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जाते उतरे के हाय। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जाते उतरे के तले खड़ा क्यों रुके मारे, चढ़ जा जीने पर के। अरे एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जाते उतरे के हाय। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए दे जाते उतरे के। मेरा जोग सफल हो माई, मेरा जोग सफल हो माई। मेरे बेटा क्यों कर कहूँ चढ़े मेरी सगी ननंद का भाई। अरे उनने गाने रे 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 उनने गाने, बोले विसरजा दे छोड़ पाछली राही दे, छोड़ पाछली राही। सोने के मने थाल परोसे हो, हो, सोने के मने थाल परोसे जीव लिए मन भर के। अरे राख घोल के, राख घोल के पीजा साधु हर का नाम समरे के। राख घोल के पीजा साधु हर का नाम समरे के। Yeah.
महोदय श्री मदन परमार साहब, पहले भी ढेर सारा प्यार और पुरस्कार दिया, ₹200 हम दोनों कलाकारों को इस रागनी पर दे रहे हैं, मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया। और कुछ कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, तेरे सटरस भोजन मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जोग ही लेना था तो फिर शादी क्यों की हमसे? वो तो पुरानी बात, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? किसी की जिंदगी कोई बर्बाद नहीं करता। हम तुम्हारे ऊपर यहाँ रहते हैं कि हमारे पियाजी हैं, तुम्हारे सहारे हमारी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन तुमने तो जोग ले लिया, हमें बीच राह में ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ और कहना चाहोगे? बहुत कुछ। सुनाइए, कहिए। सुनिए, सुनाइए। हस हस काटे ज्ञानी, हस हस काटे ज्ञानी, फिर मैं चौपन की झाल डटे ना तार समझ लगनी, सूरज का भी अर्थ रोक दे इसी होश भी अरबानी, इसी होश भी अरबानी, तेरे बिना पति के इस दुनिया में हो पति के इस दुनिया में कौन वीर दिखा दे तरके, अरे शबर का मौका, शबर का मौका मार लिए तुर पड़ी छाती करेगा, शबर का मौका मार लिए तुर पड़ी छाती करेगा। सोचा 12 कन्याओं के बारे में नहीं सोचा, सब भगवान सोचेगा। 12 कन्याओं की शादी कौन करेगा? भगवान सोचेगा। कौन उनका कन्यादान करेगा? भगवान सोचेगा। भगवान ने ठेका ले लिया क्या? भगवान नहीं, भगवान की देन है। तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। मैंने तो इतना सोचा कि गुरु की सेवा करूंगा और गुरु की शरण में रहूंगा। लेकिन इन रानियों की सेवा कौन करेगा? रानियों की सेवा, रानी अपनी सेवा खुद करेंगे। अपनी सेवा खुद करती तो तुझे काहे के रोती? और जिस पे अपनी सेवा खुद ना हो, मदन सरपंच दौरे चली जाइए, आप कर देगा सेवा। सरपंच दौरे ऐसा के जो तू बार बार वही भेजे? कोई दिक्कत नहीं, अब के सरकार तक है कि लेडी सीट करके तन इलेक्शन लड़ा दे। मैं ना जा सकू, मेरा तो मेरा उनका बाप बेटी का नाता है। क्या क्या? बाप बेटी का नाता है। ना ना ना, मैं धर्म की बेटी हूँ, मैं धर्म, मैं धर्म की बेटी हूँ, वो मेरे धर्म के पास। सुन सुन धर्म सता, हाँ इस बोल में मैं मन्ना रही है। क्यों? हाँ कदा गलती खा जा। ना ना ऐसे नहीं है हमारे, कहते अपनी बात। कैसे ना बोलो, तुम कैसे बेइज्जती करवा रहे हो? अरे बोलेंगे तो जब जब तक बोलने की जगह छोड़ी हो मैं बोलूंगा ना। धोखा, मैंने बोले में, बोले में मत ना रहिए, बोले में। मैं तो विश्वास में हूँ। विश्वास में मत रहिए ना तो धोखा खाओगी। ना कति नहीं खाऊंगी। अच्छा, कति नहीं खाऊंगी ना अंकल जी, धोखा। अटल भरोसा है, अटल भरोसा है। सुनिए मेरी बात, अपनी बात कहे। बात समझ में आई, मेरे बात समझ में आई, तने 16 रानी बोस बिठा दी ये कन्या घरा कवारी, अरे साधु की के लाग बावरी
इसे काम करे घरवारी, काम करे घरवारी। मेरे पहलम ते तने क्यों ब्याही थी हो, सच्चे ईश्वर प्यार मेरा तेरा होगा फैसला, उस सच्चे ईश्वर के सतगुरु का चिल्ला खास हो लिया।